वालेकुम जी तो आज मैं आप लोगों के साथ पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत मज़े के बनते हैं टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं कबाब बनाने के लिए यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का टमाटर ले, ले लिया है इसके सीड्स निकाल के इसको चॉप कर लिया है पाँच से छः हरी मिर्च ले लिए हैं इसको भी चॉप कर लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है इसको भी चॉप करके पानी निकाल दिया है और दो टेबल स्पून हरा धनिया ले लिया है ये वेजिटेबल्स हम यूज़ करेंगे और इसके अलावा मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया बेसन को छान लेना है क्योंकि आजकल गर्मी है तो सुडी वगैरह पैदा हो जाती है उसके बाद हम इसको रोस्ट कर लेंगे ये तकरीबन छः टेबल स्पून के करीब जो है मैंने लिया है और इसको रोस्ट करके हम ठंडा कर लेंगे और उसके बाद मैंने चॉपर ले लिया है इसमें वन के जी कीमा डाल रही हूँ कीमा वैसे ऑलरेडी बाज़ार से ही मैंने करवा लिया था लेकिन मैं दोबारा से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा बारीक होगा तो ज़्यादा अच्छे कबाब बनेंगे अगर आपके पास नहीं है चॉपर तो आप बेशक स्किप भी कर सकते हैं आप बाज़ार वाला ही कीमा यूज़ कर सकते हैं अब इसके अंदर एक टेबल स्पून अदरक लहसन का पेस्ट डाल देंगे और इसके अंदर भी बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए और कीमे में भी पानी नहीं होना चाहिए और अब सारे ये वेजिटेबल्स जो हमने कट की थी ये भी सारी डाल देंगे इसके अलावा थोड़े से स्पाइसेस भी इसमें यूज़ करेंगे जिसमें मैंने लिया है जीरा पाउडर एक टीस्पून धनिया पाउडर एक टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च यहाँ पे लिया है एक टी इसके अलावा मोटा कुटा हुआ धनिया भी मैंने लिया है एक टी पाउडर भी और साबुत भी लेना है हल्दी एक टी और पिसी हुई लाल मिर्च एक टी और गर्म मसाला पाउडर एक टी ये सारे मसाले इसके अंदर डाल देंगे और अगर आपके घर में अनारदाना खाना पसंद किया जाता है तो आप अनारदाना का भी यूज़ कर सकते हैं हमारे यहाँ पसंद नहीं किया जाता इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ तो यहाँ पे दो टीस्पून मैं नमक के भी शामिल कर रही हूँ और इसके अलावा हम इसके अंदर एक अंडा भी शामिल करेंगे जो कि बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा अंडे से बड़ी अच्छी बाइंडिंग हो जाती है ये सारे इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और उतनी देर में आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें जितनी देर में मैं मिक्स कर रही हूँ तो यहाँ पे मैंने ग्लव्स पहन लिए क्योंकि बड़ी जलन हो जाती है मिर्चों की वजह से तो आप ग्लव्स पहन के अच्छे से इसको मिक्स कर लें आटे की तरह आपने इसको गूंध लेना जैसे आटा होता है फिर उसके बाद आपने रैप करके फ्रिज में रख देना है एक से दो घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए और कीमे के अंदर जो भी मैंने चीज़ें यूज़ की हैं वो बिल्कुल पानी के बगैर यूज़ की हैं बिल्कुल भी पानी होना नहीं चाहिए कीमे के अंदर भी और ना ही सब्जियों के अंदर फिर ही आपके कबाब अच्छे बनेंगे तो इसको एयर टाइट कर दिया है ये देखिए जनाब टंटना अब हम इसको फ्रिज में रख देते हैं और यहाँ पर एक घंटा गुजर चुका था तो मैंने इसको निकाल लिया है अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे बेसन बेसन मैंने पहले इसलिए नहीं डाला था कि अगर कि मैंने पानी छोड़ दिया तो फिर इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा तो जब हमने फ्राई करना है उस वक्त हम बेसन का यूज़ करेंगे तो तीन टेबल स्पून यहाँ पर डाल रही हूँ फ्राई किया हुआ बेसन और उसके बाद इसको मिक्स करेंगे और अगर हमें लगे कि इसके अंदर अभी भी पानी है या अच्छे से इसकी बाइंडिंग नहीं हुई तो फिर हम दोबारा से बेसन थोड़ा सा और शामिल कर देंगे तो यहाँ मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स किया मुझे लग रहा था कि थोड़ा और डालना चाहिए फिर मैंने दो टेबल स्पून और डाल दिया यानी टोटल इसके अंदर पाँच टेबल स्पून बेसन जो है वो गया है बुना हुआ आप बुना हुआ जो चने होते हैं उसका पाउडर बना के भी डाल सकते हैं या मकई का आटा भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं तो चलिए अब हम चप्पली कबाब बनाना शुरू करते हैं एक गोल सा बाउल ले लेना है आपने और हाथ पे बना लीजिए चाहे चाहे तो आप सॉसर की मदद से भी बना सकते हैं ये जो टी सेट होता है ना इसके साथ जो सॉसर होते हैं आप उसमें भी बना सकते हैं तो ये बड़े ईजिली बन जाते हैं इस तरीके से ये देखिए अब आपने बस निकालना है और आपने डायरेक्ट फ्राई कर देना है तो चलिए मैंने यहाँ पे फ्राई पैन रखा हुआ है ऑयल गर्म हो चुका है तो अब हम इसके अंदर डालते जाते हैं इसकी शेप तो बहुत ज़्यादा प्यारी नहीं बनती बस ऐसे नॉर्मल सी ही इसकी शेप होती है तो इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी कि शेप बहुत अच्छी नहीं बनी तो आपने 10-10 मिनट दोनों साइड्स पर कुक करना है और पानी इसका एब्जॉर्ब कर देना है तो मज़ेदार से हमारे चपली कबाब रेडी हो जाएंगे ये देखिए माशाला से कितनी खूबसूरत सी लुक आई है बस इस तरीके से आपने फ्राई कर लेना है ध्यान रखना है कि ये बहुत ज़्यादा जले भी ना और ना ही कच्चे रह जाएँ क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेते हैं फ्राई होने में ये शाम कबाब नहीं है तो वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल बनी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको मिलती रहें अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा हाफिज